दोस्तों, अगर आप भी विश्व रूपम 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व रूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्व रूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कमल हासन है, पूजा कुमार है, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन ने मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स
के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को लेंगे, जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन ने मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण उसे उस सेना
की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उम्र के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों, अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को जाएंगे, जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रसेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है रॉ एजेंट मेजर विषम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जियादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विषम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है।
विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन ने मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उम्र के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों, अगर आप भी विश्व रूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व रूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्व रूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को जाएंगे, जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जेदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रसेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप
बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जियादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विशम के साथ अस्मिता की निकटता से ईर्ष्या होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन ने मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम निरुपमा अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्व रूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व रूपम 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्व रूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी,
जुड़े ऐसे वाल्को, रसेल जे फेरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्व रूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व रूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्व रूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों
कमल हसन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कमल हासन है, पूजा कुमार है, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रसेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विशम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी Vishwarupam 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vishwarupam 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है,
कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे, जैसे कि कमल हासन है, पूजा कुमार है, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जेदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रसेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से ईर्ष्या होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए
कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कमल हासन है, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रसेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विशम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वह एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था,
जिसके कारण है उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उम्र के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों, अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विषम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विषम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है।
विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उम्र के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों, अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
रहा है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायजी बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम निरुपमा अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है, तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जेदी पहलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी,
जुड़े इस वाल्को, रफेल, जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायजी बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया।
तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को लेंगे, जैसे कि कमल हासन है, पूजा कुमार है, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़ एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विशम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायजी बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी Disney+ Hotstar पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय।
दोस्तों अगर आप भी विश्व रूपम 2 मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व रूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्व रूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को लेंगे, जैसे कि कमल हासन है, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़ एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विशम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायजी बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स
के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटी स्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटी स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्व रूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व रूपम 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्व रूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जेदी पहलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटी स्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटी स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको यह मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटी स्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को खत्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विशम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था,
जिसके कारण है उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उम्र के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी, उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों, अगर आप भी विश्व रूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व रूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्व रूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़ एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विषम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जियादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विषम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है।
विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उम्र के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों, अगर आप भी विश्व रूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व रूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्व रूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को लेंगे, जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विशम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायजी बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम निरुपमा अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में।
तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन ने मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायजी बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में
में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कमल हासन है, पूजा कुमार है, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन ने मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायजी बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों, अगर आप भी विश्व रूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व रूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है,
कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को जाएंगे, जैसे कि कमल हासन है, पूजा कुमार है, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जियादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स
के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को जाएंगे, जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रसेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जियादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन ने मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था,
जिसके कारण है उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उम्र के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों, अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को जाएंगे, जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रसेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है रॉ एजेंट मेजर विषम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को खत्म करने
का काम दिया गया है जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विषम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन ने मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उम्र के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम निरुपमा अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्व रूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व रूपम 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्व रूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को जाएंगे जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रसेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आप
आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्व रूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व रूपम 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्व रूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे, जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया,
राहुल बोस, शेखर कपूर, जेदी पहलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुडेस वाल्को, रसेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है रॉ एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विशम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन ने मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों, अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया,
तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को लेंगे, जैसे कि कमल हासन है, पूजा कुमार है, इंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जेदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रसेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विशम के साथ अस्मिता की निकटता से ईर्ष्या होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन ने मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वह एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय।
दोस्तों अगर आप भी विश्व रूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व रूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्व रूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कमल हासन है, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रसेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Disney+ Hotstar पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Disney+ Hotstar पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा Disney+ Hotstar पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विशम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वह एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था, जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उमर के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स
के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कमल हासन है, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रसेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने वाली है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विशम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को ख़त्म करने का काम दिया गया है, जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विशम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विशम के साथ अस्मिता की निकटता से इच्छा होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं, जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण उसे उस सेना
की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उम्र के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम, निरुपमा, अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय। दोस्तों, अगर आप भी विश्वरूपम 2 मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वरूपम 2 मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 10 अगस्त 2018 में रिलीज की गई विश्वरूपम 2 मूवी, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों कमल हसन, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.8 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 56% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कमल हासन, पूजा कुमार, एंडिया जेरेमिया, राहुल बोस, शेखर कपूर, जयदीप हेलावत, वहीदा रहमान, अनंत महादेवन, नसर, दीपक जेठी, जुड़े एस वालको, रफेल जेफरी बैंक्स आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है रो एजेंट मेजर विषम अहमद कश्मीरी को अलकायदा सदस्य उमर कुरैशी और उसके साथी जिहादियों को खत्म करने का
का काम दिया गया है जो न्यूयॉर्क पर शेर पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। विषम और उनकी टीम अपने सहयोगियों डॉकिंस का अंतिम संस्कार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करती है। निरुपमा को विषम के साथ अस्मिता की निकटता से ईर्ष्या होती है और वह उससे पूछती है कि दोनों कैसे संबंधित है। विषम भारतीय सेना में अपने दिनों को याद करते हैं जहां उनके एक परेड और पुरस्कार समारोह में एक युवा उत्साहित और बहादुर युवा महिला अधिकारी अस्मिता मिली थी। विषम और कर्नल जगन्नाथन मिलकर अस्मिता को अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करते हैं और उसे विषम द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। विषम को इस मिशन के लिए चुना गया क्योंकि वे एक पाकिस्तानी का नाजायज बेटा है और उसकी माँ एक भारतीय महिला है। विजम को और अस्मिता ये धारणा बनाए कि उसका विजम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है था जिसके कारण उसे उस सेना की एक महिला के साथ संबंध रखने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने के कारण 10 वर्षों के लिए कोर्ट मार्शल किया गया था। विषम को कैद कर लिया गया लेकिन बाद में वे जगन्नाथन की मदद से भाग निकला। विषम पर एक वांछित आतंकवादी के रूप में मोहर लगा दी गई है और लेफ्टिनेंट रॉय उर्फ इम्तियाज के साथ उम्र के समूह में शामिल होने के अपने मिशन के लिए निकल पड़े। वर्तमान में विषम निरुपमा अस्मिता और जगन्नाथन को गोस्वामी उनके साथी सेना अधिकारी अपने वरिष्ठ ईश्वर अय्यर के निर्देशकों के तहत प्राप्त करते हैं। डॉकिंग्स के शव को उनके परिवार को सौंपने के लिए कार में जाते समय आतंकवादियों के एक समूह ने उन्हें पर हमला किया और उनकी कार एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गई। तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय।